Alright, so what is up everybody? We are back with another vlog. So इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले टाइम से. सबसे पहले टाइम दिखा दे एंड टाइम दिखाने वाले गूगल, बिकॉज गूगल टाइम एक ऐसा टाइम है जो प्रूफ कर देता है दैट वो रियल टाइम है. सो भाई इट्स 3:19 AM जैसे कि आप देख सकते हो भाई. अगर आपको दिख रहा है बट फिर एक बार ही बोल के भी दिखा दे बिकॉज क्या पता फोकस हो रहा है. 3:19 AM सो 3:19 AM यहाँ पे भी इस टाइम हो रहे हैं 3:19 सुबह के. एंड बेसिकली आज हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया. बेसिकली चैलेंज हो गया होने वाला है, तू बता भाई. लिसनिंग टू द वर्ल्ड्स स्केरियस्ट म्यूजिक का चैलेंज आज हमने एक्सेप्ट किया, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया. तो इसके अंदर हम क्या करने वाले गाइस, इसके अंदर हम सुनने वाले पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्केरियस्ट म्यूजिक, जिसके अंदर ऐसी ऐसी सबलिमिनल चीजें घुसी हुई हैं, कुछ ऐसी ऐसी क्रीपी चीजें हैं जो सुनने में तो बहुत दूर की बात है, सोचने में बहुत ज्यादा डर लगता है. तो मैंने काफी सारे गानों के लिस्ट अपनी बाहर निकाल ली है एंड कॉपीराइट के आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज्यादा कोई चीजें होंगी जस्ट बिकॉज वो बहुत पुराने गाने हैं. एंड साथ में उनकी वजह से सबसे पहले एक बात गाइस, उनकी मैं कुछ बैक स्टोरीज भी आप सभी को बताऊंगा गानों के साथ साथ. एंड साथ में कि उन गानों को सुनकर लोगों ने सुसाइड्स तक करी है गाइस. लिटरली रात के 3:20 पे ऐसी बातें करने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले हमने काफी चैलेंजेस करे हुए हैं तो अभी इतना डर नहीं लग रहा. सो लेट्स गाइस, लेट्स चेक इट आउट कि कैसा होने वाला है. एंड स्टार्ट करते हैं, पहले हम गानों की प्लेलिस्ट बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको आगे ऊपर के लेके चलते हैं. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो हमने दो सॉन्ग सेलेक्ट कर लिए हैं. बेसिकली सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं बट प्रॉब्लम यह है कि कॉपीराइट इश्यूज की वजह से कुछ कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं जो हम अगर सुनेंगे तो कॉपीराइट आ सकते हैं, तो इसलिए हमने उनको प्रेफर ही नहीं किया. बट कुछ ऐसे दो गाने हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं. फर्स्ट गाने का नाम है टिप टो थ्रू द विंडो. अब हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं. ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं कि टिप टो थ्रू द ट्यूलिप्स जो गाने का नेम है, सो बेसिकली इसकी बैक स्टोरी क्या है, कि ये रिलीज कब हुआ, क्या है इसके पीछे ऐसी कोई कहानी जिसकी वजह से ये हॉन्टेड कहलाया गया. बेसिकली जिस बंदे ने इस गाने को गाया था वो था टाइनी टिम नाम का एक बंदा था. ही वाज अ नॉर्मल गाय एंड ही वाज अ म्यूजिशियन, काइंड ऑफ बहुत अच्छा म्यूजिशियन था अपने जमाने का. बट जो ये जब ये सॉन्ग रिलीज होता है, इस सॉन्ग की रिलीज है 1968. वो कहते हैं कि जो सॉन्ग्स आप रात को सुनते हैं एंड अगर उसका आर्टिस्ट जो अगर सिंगर डेड है यानी कि वो मर चुका है, तो इसका मतलब आप एक मरे हुए बंदे का गाना सुन रहे हैं. ये एक काइंड ऑफ एक क्रीपी थिंग बन जाती है. तो इसका मतलब है कि जो हम गाना सुनने वाले पहला है वो एक थोड़ी सी क्रीपी थिंग कि हम एक डेड मैन का गाना सुन रहे हैं बेसिकली. सेकंड थिंग हम इसको इसके बारे में बताएं तो इस गाने को हॉन्टेड बनाया एक मूवी ने जो कि इंसीडियस. इंसीडियस वाज अ मूवी जो रिलीज हुई थी करीब करीब 2000 से 2010 के बीच में. आई डोंट नो द यू नो फुल डेट, मेरे को नहीं पता. बट उसके उस मूवी के एक काइंड ऑफ सीन के अंदर एक इस सॉन्ग को पीछे चलाया गया था एंड वो इतना क्रीपी बन गया कि उसकी वजह से काफी सारे लोग उसको अपनी वीडियोस में यूज करना स्टार्ट हो गए. बट इसके पीछे की भी काफी सारी बैक स्टोरीज हैं. लोग कहते हैं कि इस गाने को सुन के काफी सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स करी हैं, पोजेशंस के लिए गाना यूज हुआ है, यानी तक कि मतलब काफी सारी जगहों पर इस गाने को यूज किया गया है. इसकी स्टोरी कोई भी नहीं जानता, वो एक यू नो काइंड ऑफ एक ऐसी चीज रहेगी कि होना ना होना एक बराबर, हमें नहीं पता इसकी बैक स्टोरी कैसी बनती है आगे जाके. इतना लोग कहते हैं कि है इसके पीछे कोई ना कोई चीज तो है. सो आज हम सबसे पहला गाना टिप टो थ्रू द ट्यूलिप्स रात के 3:20 पे सुनने वाले हैं. बेसिकली एक पॉइंट होता है 3:27 एंड 3:27 है भाई. ये तो ये लिटरली ये स्क्रिप्टेड नहीं, कोइंसिडेंस हो गया, ये तो कोइंसिडेंस था. लोग कहते हैं कि इस टाइम पे मतलब ये जो टाइम है बेसिकली लोग कहते हैं कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा पोजीशन दिखाई दे रही है. सी इट्स 3:27 एवरीवन. अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैंने फिर भी दिखाने की कोशिश करी है. सो या लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. तो मैं व्हाटएवर ही डिड विद दिस सॉन्ग काफी क्रीपी है बस, पर इसमें इतना कुछ हॉन्टेड नहीं लग रहा है. I don't know why, but ये टाइनी टिम मुझे kind of a retarded person लगता था. नहीं literally. और इसके face से भी लगता है मिंदा. इस तरह वो गा रहा है literally. I don't know. I'm sorry. मैं किसी की intentions मैं किसी की feelings hurt नहीं कर रहा, but kind of लग रहा था वो इन फ्रॉम स्टार्टिंग. Because we are watching the video too. And that's it for the song. And that was tiptoe to the tulips and कुछ review गाने का.
तुझे कैसा लगा? मतलब क्रीपी था तुझे थोड़ा? तुझे कितना डर लगा? कुछ मैं एक ही बात कहूंगा, गाना अजीब था, कुछ हॉन्टेड नहीं लगा। मतलब गाना देखो हॉन्टेड लगा, बट थोड़ा सा तो वियर्ड कह सकते हैं। हाँ जी, हॉन्टेड तो लगा ही नहीं, डर तो लगा ही नहीं। वो मैं जो, तो मैंने ये गाना आज से करीब करीब 2 या 3 साल पहले सुना था। मुझे अच्छा, तो सुन चुका है गाना? हाँ, मैं गाना सुन। अच्छा, तभी तो मैंने प्लेलिस्ट निकाली वाली। अच्छा, तो जब मैंने सुना था तो उस टाइम मतलब इंसीडियस मूवी आई थी। आई वाज जस्ट, यू नो, मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा गाने सुनते हैं, इंसीडियस के सुनते हैं। मैं बस कॉन्जूरिंग वगैरह इन सबके मैं स्क्रोल अप कर रहा था, तो मुझे गाना मिला। सुना इसको तो थोड़ा सा ना माइंड वो हुआ मेरा, मतलब डिस्टर्ब हुआ है, मतलब डिस्टर्ब किया है। तो वेल, इतना कुछ नहीं हुआ उस टाइम, एंड इतना कुछ वियर्ड भी फीलिंग नहीं है कुछ, मतलब नॉर्मल हम कमरे बैठे लाइट ऑफ करके, इतना मुझे नहीं हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग। नेक्स्ट सॉन्ग इज ग्लूमी संडे, एंड ग्लूमी संडे की एक बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ग्लूमी संडे को बाहर निकाल लेते हैं। सो लेट्स मूव। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज ग्लूमी संडे। ग्लूमी संडे एक ऐसा सॉन्ग है जिसको लोगों ने एट दैट मोमेंट जब ये गाना रिलीज हुआ था तब सुन के मोर देन 100 पीपल सुसाइडेड। मतलब लिटरली ये बेसिकली एक पोयम थी, काइंड ऑफ अ पोयम को एक गाने में कन्वर्ट किया गया था। एंड जब ये गाना आगे जाके आया, रिलीज हुआ, देन दिस हैपेंड दैट जितने भी लोगों ने गाना सुना उनमें से बहुत सारे लोगों ने गाने को सुनकर सुसाइड कर ली। एंड इस गाने का नाम लिटरली द हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग। गाने का नाम ही सुसाइड सॉन्ग। इफ यू वांट टू सर्च ऑन YouTube यू कैन, आपको टॉप पे ही गाना मिल जाएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस होगा एज यू कैन सी। सो हम ये वाला सॉन्ग सुनने वाले हैं। लेट्स चेक इट आउट कि ऐसा क्या है इस सॉन्ग के अंदर, एंड हम लिरिक्स पे गौर करेंगे। भाई इसका थंबनेल काफी, मतलब पुराना है तो ब्लैक एंड व्हाइट तो होगा ही, पर मतलब ठीक है, लेट्स चेक आउट। हिस्टोरिक मिस्ट्रीज में गाना अपलोड किया है, एंड चलो देखते हैं। इसका ओरिजिनल वर्जन भी है, बट हम सुनने वाले हैं इसका, हम जो मेन सॉन्ग है जो 4 मिनट का सॉन्ग है। सो लेट्स चेक आउट। चलो, मैंने ऑन कर दिया सॉन्ग को। Song you are about, दिखा रहा हूँ स्क्रीन नीचे आ रही है। The song you are about to hear has been blamed for many strikes. The song was banned by BBC for 66 years. The ban lasted until 2002. Gloomy Sunday was composed in 1936 and because it was 2002 में गाने का ban हटा दिया था, 66 years तक ban रहा। आपको नीचे जितना भी लिखा है इसके अंदर उन्होंने इतना बताया कि ये 2002 तक बैन रहा। जब ये 2002 में खुला, यानी कि वापस आया है गाना, तो हुआ ऐसा था कि अभी पीछे जो पढ़ा होगा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था, ग्लूमी संडे वॉज कम्पोज बाय 1936 बाय अ हंगेरियन पियानिस्ट रेजो सेरेस, आई डोंट नो द नेम, एंड रजवी नाम है थोड़ा सा। एंड आगे आप जो चीज़ लिखी हुई है गौर करना इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स डार्क नॉरेज शरी एंड लिरिक्स, ग्लूमी संडे इज ऑल्सो नोन एज द हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग। सो इसके डार्क लिरिक्स की वजह से लोगों ने बोला दैट दिस सॉन्ग इज, बाय द फैक्ट वी कैन से दैट, बट देखते हैं इंग्लिश में भी ये गाना है भी कि नहीं। आपको इस स्क्रीन और लैंग्वेज में कोई भरोसा नहीं है ब्रो। व्हाई दे आर मेकिंग काउंटडाउन लगाया हुआ गाने पे, इतना क्रीपी क्यों क्रिएट किया गाने को, मुझे समझ नहीं आया। अरे जस्ट बिकॉज गाने पे काउंटडाउन लगाया हुआ, घुमा के दिखा ना, मुझे नीचे स्क्रीन आ रही होगी ना। In the original lyrics of Gloomy Sunday, written by lyricist and poet, he was a poet. The singer is asked his dead lover. Okay, so, oh, all right. Starting की line सुन के ऐसा लग रहा है कि ये kind of a heartbroken song हम कह सकते हैं, क्योंकि ये dead lover के ऊपर उसने लिखा है, यानी कि उसकी जो भी याद में बनाई होगी उसने उसकी याद में गाया। मैं भी। He's only at his own planned funeral. Sorry, थोड़ा सा अजीब था। Let's check out the lyrics, everybody. Okay, so ये होगा कोई। Had recently broken up with his fiance, okay, and his heartbreak served as the inspiration for the mournful lyrics of the Gloomy Sunday. Okay, let's check out कि ऐसा क्या है इस गाने के अंदर। I'm ready. Okay, तो अपने स्टार्टिंग की लाइन सुन के इतना तो समझ गए कि ये लैंग्वेज वो नहीं है जो हम सोचने वाले थे, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। मे बी दिस इज हंगेरियन, हंगेरियन कह सकते हैं, मतलब जिस तरह सुनने में लगा मुझे, लिखा है एटलीस्ट 18 सुसाइड डेथ्स इन हंगरी। ओह माय गॉड। ओके, तो ऐसा यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि इसके अंदर नीचे लिरिक्स नहीं दिए गए,
ये बस एक सॉन्ग है एंड सॉन्ग के नीचे पूरी की पूरी स्टोरी बताई गई है कि इस सॉन्ग की बैक स्टोरी क्या है एंड इसकी वजह से हुआ क्या क्या है। सो यार लेट्स चेक आउट द सॉन्ग की ऐसा क्या है। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रीपी लगा है गाना सुनने में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मन तो नहीं है बट ठीक है। गूज बम्स क्यों आते हैं सीन ऑफ सुसाइड Several bodies are found in the building. Edge of an amount. They shot themselves. Creepy as well. Hearing a band play this. Others have been found to have ended their own lives while listening to boy, saab. एक बैंड ने गाना सुना, ठीक है, फिर जिन लोगों ने वो बैंड ने गाना बजाया वो वही सुन के खुद ही मर गए। ओके okay. अगर इंग्लिश में होता तो हमें समझ भी आ जाता थोड़ा बहुत, पर देख के इसके इंग्लिश में कन्वर्जन नहीं है। इवन द न्यूयॉर्क टाइम्स हैड रिपोर्टेड सुन के ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीज में बैन हुआ था ये गाना उस टाइम। ये गाना बाय इज रिसेंटली कंसीडर्ड बाय मेनी इट इज बिकॉज these two suffering lyrics found problems conveyed their despair. मतलब लोगों ने सॉन्ग के लिरिक्स से इतना ज्यादा रिलेट कर रिलेट किया, इसमें तो हमारी जिंदगी है तो they died. Our decision, but जब उनके जमाने में बहुत पुराना 1936 में आया था ये गाना. That is a very old song, मतलब इतना old गाना Around 80 to 90 years ago. Please खरीद के गाने सुनते थे या डिस्क आती थी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी डिस्क आती थी जिस पे प्ले करते थे, तो शायद वो अपना यू नो गम निकालने के लिए गाने जब सुनने लगे तो उनको अपना सब कुछ दर्द दिखा और फिर उन्होंने खुद को ही मार दिया। इट वॉज अ वेरी बैड डिसीजन एंड भाई सुन के बुरा लगा, बट अंदर से मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ कि गाना बहुत डिप्रेसिंग था एंड मतलब लिटरली मुझे लगा, हमें समझ नहीं आया लेकिन जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक था उससे हमें लगा कि बहुत डाउन, मतलब लिटरली फील करा इसके बीच के करीब करीब जब वोकल्स लिखे आपने देखा होगा तो वोकल्स के टाइम पे मैं अंदर से भरने लग गया, तो वो मैंने फील किया खुद के अंदर, बट वो ऑब्वियसली ऑन कैमरा नहीं आ पाया, बट मैंने फील किया अंदर से खुद को एट दैट मोमेंट। ये क्रीपी सॉन्ग नहीं कहूंगा, इट इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग दैट मेक यू यू नो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड और सैड, बट आजकल के जमाने में डिप्रेस तो लोग यू नो लोगों ने मजाक बना लिया डिप्रेशन का बेसिकली आजकल तो खाना, मतलब कोई बंदा दो दिन के लिए किसी से बात नहीं करता भाई मैं डिप्रेशन में, ऐसे ऐसे केसेस बन गए आजकल तो डिप्रेशन का तो भाई जो डिप्रेशन में जाता है उसका भी मजाक बनता है भाई ये क्या। सो इससे एक आपको सीख मिलनी चाहिए दैट कोई भी बंदा अगर डिप्रेशन में है यू नो दैट डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि सामने वाला बंदा नहीं बता पाता है ना, तो कोई बंदा डिप्रेशन में तो उसको मजाक मत उड़ाओ, उसकी उसकी मतलब तुम उसकी हेल्प करोगे ना सामने वाला बंदा खुश होगा। It was a very creepy thing, but yeah, that was the video. And अगर आपको ये video अच्छी लगी तो please like, share, subscribe. क्योंकि channel की starting से हम 100 vlogs करते आ रहे हैं, जैसे आपने देखा था calling the numbers we should not call, जैसे कि हमने अपने terrace पे। और मैंने देखे कि काफी सारे लोगों को हमारे wanted में काफी ज़्यादा मतलब interest है, काफी सारे लोग comment करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप मतलब प्रूफ करो। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो के कमेंट्स देखे हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा क्या चीज हम आगे जाके करें। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, ओइजा बोर्ड, यस ओइजा बोर्ड, हमने बहुत सारे हंड्रेड ब्लॉग्स, कुछ ऐसे चैलेंजेस हमने नहीं किए, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमें वो चैलेंज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इट इज सेफ और नॉट डिपेंड अपॉन वो, तो नहीं भी होगा तब भी हमने करना ही है वो, ऑब्वियसली बात है। तो क्योंकि अगर सेफ होगा तो फिर फायदा क्या करना है, ऑब्वियसली। सो यार मिलते हैं आपसे लोगों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।